हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल. वेलकम टू ATS इंग्लिश बाय टाइगर सर. मेरा नाम है फाख्ते जफर और आज का जो आपका सेशन है वो हम करने जा रहे हैं अर्ली मेडिवियल पीरियड पे. ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चंस करेंगे. राजकुटास मैंने आपको पढ़ा दिए थे, पल्स डायनेस्टी के बारे में पढ़ा दिया और साथ ही साथ मैंने जो है आपको प्रतिहार्स जो ना गुजर प्रतिहार्स के बारे में भी आपको पढ़ा दिया है. तो आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो वॉइस अगर परफेक्ट है तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, गुड इवनिंग प्रतिभा. जितने भी स्टूडेंट लाइव आते रहे वो प्लीज सेशन को शेयर करते रहे, ठीक है. और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना. चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस के. सबसे पहले तो 7 PM पे आपका पेड बैच होता है जिसमें आपको टाइगर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं. इसके अलावा 4 PM पर जो है आपकी जो है GSE क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, है ना. मंडे टू सैटरडे आपकी GSE क्लास होती है और काफी कुछ इसमें हम पढ़ चुके हैं और जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी जरूर करते हैं, ठीक है. और 6 PM पे आपका क्वांट की क्लास होती है जिसमें मैं आपको जो हूँ नंबर सिस्टम हम अभी कर रहे हैं ना. आज भी आपके नंबर सिस्टम के आपको काफी क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. और अगर आपको जो है सम ऑफ फैक्टर और साथ ही साथ नंबर ऑफ फैक्टर्स विद इन सेकेंड्स में अगर निकालना चाहते हो आप, है ना, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप मेरी 6 PM की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. ओके, क्विज की टाइमिंग देख सकते हो 10 PM एंड 7 PM पर आपकी टेलीग्राम पे क्विज होती है, 12 PM एंड 9 PM पर ऐप पर, एंड 4 PM पर संडे स्पेशल क्विज आपकी होती है, ठीक है. और अगर मॉक टेस्ट की बात करूंगा, अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तो आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है. चलिए आगे बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की. तो ये जनरल स्टडीज ETS ग्रुप है. अगर मैथ्स और GS से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो. इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप टेलीग्राम पर, ठीक है. ओके, बात कर लेते हैं पल्स प्रतिहारास और राष्ट्रकुटास के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of Rashtrakutas? तो इन सभी में से कौन सा जो है founder रहा है Rashtrakutas का? तो आप मुझे फटाफट आंसर बताइए. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं प्लीज करके ना सेशन शेयर कर दें. ओके, डांटी दुर्गा, यशोवर्मा, माहिर भोज या फिर वक्पत्री राज. बिल्कुल सही बताया है प्रतिभा ने, डांटी दुर्गा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. डांटी दुर्गा को डांटी वर्मा करके नेम से भी जाना जाता है और ये फाउंडर थे किसके, राजकुटास के. राजकुटास एक अकेली ऐसी मेडिवल पीरियड की एक ऐसी, मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड की एक ऐसी डायनेस्टी रही है जिसने मान के चलिए 200 साल तक रूल करा है, बहुत टाइम तक राजकुटास रहे हैं, ठीक है. माहिर भोज की बात करें तो इनका कनेक्शन है वो कौन से है, जो आपके गुज्जर प्रतिहार्स है उनसे इनका कनेक्शन है ना. तो माहिर भोज की बात करें तो वो गुज्जर प्रतिहार्स में लगेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया कॉल्ड देमसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ सत्याकी. तो सत्याकी के डिसेंडेंट कौन रहे हैं, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए. Descender of Satyaki. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए. और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं प्लीज, है ना, सेशन को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि सत्याकी के जो है डिसेंडर्स कौन थे. जब तक मैं भी अपना जो वीडियो है ना मैं भी शेयर कर देती हूँ, जब तक आप भी जो है शेयर कर दो. बी बता रही है प्रतिभा, राजकुटास. बिल्कुल सही बताया है, सत्याकी के जो डिसेंडेंट है, मतलब सत्याकी के आगे की जो है असेंडर्स कौन होते हैं, असेंडर्स वो होते हैं जो मतलब इनके पूर्वज हो. डिसेंडेंट्स कौन हो गए, इनके आगे की पीढ़ी जो होती है, ठीक है. तो राजकुटास जो है इनके आगे की पीढ़ी थे, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग, द त्रिपाठी स्ट्रगल वॉज बिटवीन द प्रतिहारास, पालास एंड राजकुटास. सेकेंड है, फाइट वॉज टू एक्वायर सुपरमेसी ओवर कन्नौज, अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज इन इंडिया पॉलिटिक्स. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, है ना. आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. मैंने आपको बताया अभी तक प्रतिहारास, पल्लास और जो राजकुटास हैं उनमें आपस में क्या रहती थी, हमेशा फाइट रहती थी, हमेशा आपस में जो है इनकी कभी बनती नहीं थी, है ना. तो
सी बता रही है प्रतिभा, और बिल्कुल सही बताया है, दोनों बिल्कुल सही है। सब क्या चाहते थे, सब जो है कन्नौज को चाहते थे ना। इसका यार इसका हिंदी में भी था, ठीक है, हिंदी में भी था, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है, क्योंकि प्रतिहारास पल्लास और जो राजकोटास थे उनका जो है आपस में त्रिपक्षीय रहता था, ठीक है, मतलब कि जो है आपस में इनका हमेशा से ही रहता था पंथी नीति आपस में, और त्रिपाठी भी बोलते हैं ने, और साथ ही साथ जो है कन्नौज का जो एरिया है उस पर ये सब का जो है क्या बनी हुई थी, कन्नौज उस टाइम एक आइकन बनी हुई थी, जैसे मगध के टाइम में कौन थी, पाटलिपुत्र थे, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया भी था। ओके, आकाश, आकांक्षा, आकांक्षा मल्होत्रा भी सी बता रही है, आकांक्षा वेलकम टू दिस सेशन, फटाफट आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके, आकांक्षा का भी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ड्यूरिंग एशियन मेडिवल इरा वर सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो आपको बताना है वेस्ट कोस्ट जो है साउथ इंडिया का, वहां पे कौन सा पोर्ट जो है सिचुएटेड था कब, मेडिवल या फिर एशियन इंडिया के टाइम पर। तो आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जो है उसका आंसर फटाफट दीजिए विद इन सेकंड में। हमने पोर्ट के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा था जब हमने प्रतिहार और उनके बारे में जाना था। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, आंसर आ चुका है, प्रतिभा डी बता रही है, और बिल्कुल सही बताया है। डी तो नहीं है प्रतिभा, डी बताया है क्या आपने, डी नहीं है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, थ्री एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, थ्री एंड फोर आपका सही होगा आंसर, मुसिरी और जो है टोंडी पोर्ट जो है आपके दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, साउथ की साइड मिलेंगे आपको, साउथ वेस्ट का जो एरिया है। मुसिरी का आज के टाइम में करंट नेम क्या है, मालाबार जो पोर्ट है आपका, ठीक है, वो एशियन में क्या कहलाया जाता है, मुसिरी पोर्ट कहलाया जाता है। तो टोंडी की बात करें तो ये आपका कहाँ मिलेगा, आपको केरल साइड में मिलेगा, ठीक, केरला में मिलेगा, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, थ्री एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका हिंदी में भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग पर किंग्स एस्टेब्लिश्ड विक्रमशील यूनिवर्सिटी, है ना, विक्रमशील यूनिवर्सिटी या फिर विक्रमशील मोनेस्ट्री के नेम से भी आए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मोनेस्ट्री भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत मैंने आपको बताया था जो मॉन्ग थे यहाँ पर, तो विक्रमशील जो यूनिवर्सिटी या फिर मोनेस्ट्री जो बनाई गई थी, वो जिस किंग ने भी बनाई थी वो बहुत ज्यादा जो है मतलब फेवर में था बुद्धिज्म के, और यहाँ पर जो है खाली इंडिया के नहीं तिब्बत से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करने आते थे। तो फटाफट मुझे आंसर बताइए, प्रतिभा बी बता रही है और बिल्कुल सही बताया है, धर्मपाल, है ना, तो धर्मपाल ने ही जो है विक्रमशील यूनिवर्सिटी को क्या बनाया, फाउंड करा था, ठीक है, तो धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया प्रतिभा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर बिल्ड बाय द राजकोटास किंग, इसमें से कौन से टेम्पल जो है राजकोटास किंग ने बनवाए हैं, तो फटाफट मुझे आंसर बताइए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपके, तो ये द आंध्रकेश्वर टेम्पल होली में है, सोंगाल में है, सोमेश्वर टेम्पल और काशी विश्वनाथ टेम्पल है आपका, साथ ही साथ जैन नारायण टेम्पल है कहाँ पे, पटक पटक पटाका दल में, पटाका दकाल में, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा टेम्पल जो है राजकोटास किंग के द्वारा बनवाए गए हैं, जो राजकोटास के किंग्स हैं उनके द्वारा बनवाए गए हैं। डी बता रही है प्रतिभा और बिल्कुल सही बताया है आपने एकदम। तो जो देखो जो चोलास के से लेकर ना चोला का जो टाइम था, चोला छेड़ा पांड्या से लेकर जो आपका राजकोटास वाला टाइम आ जाता है, उस टाइम में ना बहुत ढेर सारे टेम्पल्स का बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले टेम्पल इतने नहीं बिल्ड हुए थे, और जो बने भी थे मध्य प्रदेश के एरिया में वो सब क्या हो गए थे, वक्त के साथ जो है वो खत्म हो गए थे, क्योंकि काफी ओल्ड स्ट्रक्चर था। लेकिन चोला पांड्या छेड़ा से लेकर राजकोटास के टाइम में बहुत ज्यादा टेम्पल बिल्ड करे गए, जैसे कि सन टेम्पल हो जाता है आपका गुजरात का, तो वो भी जो है इसी टाइम पीरियड में बिल्ड करा गया था, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज वर द फाउंडर ऑफ पला डायनेस्टी। तो आपको बताना है पाल वंश का जो है फाउंडर कौन था, पाल वंश का। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। और जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं तो प्लीज है ना शेयर जरूर कर दें सेशन को, और साथ ही साथ लाइक कर दें, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाए। अभिषेक भी आ चुके हैं सेशन में, वेलकम अभिषेक। और बिल्कुल सही बताया है अभिषेक ने, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ना। और अगर प्रतिभा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही बताया है गोपाल फर्स्ट, है ना। गोपाल फर्स्ट इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गोपाल फर्स्ट, है ना। तो बिल्कुल सही बताया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ओके, इन विच पाल रूलर्स रीन द रामचरित्र वॉज रिटेन एंड ऑल्सो मैंशन डैट द पाल आ रूलर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ सोलर डायनेस्टी। और जो है रामचरित्र में ये भी बोला गया है जो पाल डायनेस्टी है ये किसके डिसेंडेंट है, ये है आपके सोलर डायनेस्टी के डिसेंडेंट। तो रामचरित्र में है ये, तो आपको बताना है किसने ये लिखी है, रामचरिता। आंसर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके आंसर, अच्छा प्रतिभा ने मना कर दिया आंसर बताने को, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो रामचरिता जो है सोलर डायनेस्टी जो बताते हैं, ठीक है, ये जो है एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है। और ये किसने लिखी है, सी नहीं है इसका आंसर, गोपाल फर्स्ट नहीं है इसका आंसर, चेक करना अभिषेक, देवपाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देवपाल ने लिखी थी, देवपाल इसी काम के लिए फेमस भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु बिल्ड ग्रेट विहार एट सोमापुरी इन वरेंद्री एंड द विहार इन पहाड़पुर, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ये किसने जो है विहार, ठीक है, विहार आपको पता है किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये विहार जो है बुद्धिज्म में बनाए जाते हैं। कहाँ पर, सोमापुरी, सोमापुरी में मैंने आपसे कहा भी था, सोमापुरी में काफी बड़ा विहार भी बनाया था, इनके द्वारा बनवाया गया था। तो आपको उनके इनका नेम बताना है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है, अब आपको पता चल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप भूलोगे नहीं कभी। ये फिलहाल अच्छी बात होती है, जो हमें क्वेश्चन नहीं पता होता है ना, तो क्वेश्चन का जब हम आंसर गलत लगाते हैं ना, तो उससे भी हमारा एक बेनिफिट ये होता है, जब हमें सही आंसर पता चलता है तो हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, डीबी बता रही है, धर्मपाल प्रतिभा। आकांक्षा भी बता रही है, ओके देख लेते हैं भाई सही आंसर क्या है। वो बिल्कुल सही बताया है, धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क, है ना। तो आपको जो सन गॉड का मतलब जो सन टेम्पल है वो आपको बताना है किसने बिल्ड कराया है, ठीक है। आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, अंतर्वर्मा या फिर नरसिम्हा फर्स्ट, कपिलेंद्र या फिर पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10th। जस्ट अ सेकेंड, मैं चार्जर इसका लगा लूं, मेरे लैपटॉप की बैटरी चली जाएगी वरना, जस्ट अ सेकेंड गाइस।
ओके ओके आई एम बैक। हाँ तो इसका आंसर क्या बताया है? बी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, नरसिम्हा फर्स्ट, है ना। नरसिम्हा फर्स्ट ने जो है ये सन टेम्पल बनवाया था, और बिल्कुल सही बताया। प्रतिभा ने भी बिल्कुल सही बताया है, और जो है अभिषेक का भी आंसर एकदम ठीक है। ओके, द ग्रेटेस्ट स्टेलिटिक फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड वेयर दी नागर ड्रेविड एंड विसार। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी ज्योग्राफिकल स्प्रेड बाय द ड्रेविडा स्टाइल। तो ड्रेविडा स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ, कौन से एरिया में देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ रिवर्स के नेम आपको यहाँ पे लिखे हैं, बिटवीन विंध्याना या फिर कृष्णा रिवर, कृष्णा या फिर कावेरी, विध्यान या फिर कावेरी, या फिर गोदावरी या फिर कावेरी, तो कृष्णा सॉरी, है ना। तो ये चीज मैंने आपको जो है फिलहाल ऐसे करके तो नहीं बताई थी, लेकिन इनका एम्पायर मैंने आपको बताया था कि कौन सी रिवर के बीच में था, और उस वहीं पर जो है उन्होंने काफी ड्रेविडियन स्टाइल के टेम्पल भी बिल्ड कराए थे। तो हिंदी में भी आपका क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ऑप्शन कटे हैं। तो लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपका गोदावरी और कृष्णा है, ठीक है, जो हिंदी में कटा हुआ है। तो फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, हाइड कर लेती हूँ जिससे कि आप हिंदी में भी आराम से पढ़ सके, आराम से क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके, अभिषेक का सबसे पहला आंसर आता हुआ गोदावरी एंड कृष्णा, और बिल्कुल सही आंसर बताया है अभिषेक ने। गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे वो आपको ड्रेविड स्टाइल के देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, गोदावरी और कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिभा बी नहीं है आंसर, उसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग, अभी स्टार्टिंग में ही इसका मैंने आपको आंसर बताया था, तो मुझे फटाफट बता दीजिए इन सभी में से कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग राज्य रहा है। पाल्स है, प्रतिहाराज है, राष्ट्रकूटाज है, या फिर सेनाज है। तो फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, ये तो मुझे विद इन सेकंड में बता दो कि मुझे पूरी उम्मीद है, और एकदम सही भी। जी बिल्कुल सही बताया, राजकोटास, है ना। अभिषेक का आंसर अभी नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो प्रतिभा ने सी बताया है, बिल्कुल सही आंसर, प्रतिभा का आंसर बिल्कुल सही है, सी, सी इज दी करेक्ट आंसर। राजकोटास ने सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करा था, ठीक है। हु डिफीटेड दी प्रतिहाराज एम्पायर, तो प्रतिहाराज एम्पायर को किसने हराया था, तो सब पर एक ही भारी रहा था। हाँ ठीक है, राजकोटास बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रतिहारास को किसने हराया था, तो आकांक्षा का आंसर यहाँ पर बी आया है, और प्रतिभा फटाफट आंसर दीजिए अपना भी आप। ओके प्रतिभा का भी बी है, और बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड ने हराया था, कहाँ से थे, राजकोटास से ये बिलोंग करते थे, ठीक है, राजकोटास किंगडम से ये बिलोंग करते थे, और जैसे कि मगध एक उभर कर आया था राज्य तो सब पर भारी था, इसी तरह से राजकोटास इस टाइम पर ऐसे थे जो सब पे भारी थे ना, सबको हराते हुए ये खुद अपना किंगडम बड़ा कर रहे थे। तो कृष्णा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु वॉज द लास्ट राजकुटा किंग, तो आपको बताना है राजकुटा लास्ट किंग कौन था, ठीक है, राजकुट डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था, आपको बताना है। गोविंद थर्ड, इंद्र थर्ड, कृष्णा सेकेंड, या फिर कृष्णा थर्ड, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। डी बता रही है प्रतिभा, बिल्कुल सही बताया, कृष्णा थर्ड, है ना, कृष्णा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये लास्ट रूलर भी थे, और साथ ही साथ इन्होंने प्रतिहारास का भी एंड किया था, ठीक है। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी अभिषेक का भी आंसर डी है, डेट्स ग्रेट, बिल्कुल सही बताते हुए प्रतिभा और अभिषेक आपके आंसर एकदम ठीक जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब अच्छे से रिवाइज भी हो रहा है और आपको सब याद भी है, डेट्स ग्रेट। स्ट्रगल स्ट्रगल बिटवीन पलास प्रतिहारास एंड राजकुटास फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, है ना, जो कंट्रोल करना चाहते थे कन्नौज को, तो उस स्ट्रगल को क्या कहा गया है, वो स्ट्रगल जो पाल
प्रतिहार और राजकोट के बीच में चला था। पाल प्रतिहार और राजकोट के बीच में जो स्ट्रगल चला था कंट्रोल करने के लिए कन्नौज को, उसको क्या कहा गया है? जब पीडीएफ में आपको पढ़ा रही थी तब भी आपको नेम देखने को मिलेगा। 15 का डी बतानी प्रतिभा, और बिल्कुल सही बताया है त्रिपार्टी स्ट्रगल, है ना, त्रिशय संघर्ष उसको बोला गया है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक ने भी डी बताया है और दोनों का ही आंसर एकदम ठीक है। ऑन हुम वॉज द त्रिपार्टी स्ट्रगल बिटवीन पाल्स प्रतिहार्स एंड राजकुटास फॉर ओनरशिप? अभी अभी हमने लास्ट में ही, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हमने इसका आंसर हम और रेडी कर चुके हैं, तो ये किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक फॉर्म इसकी ये थी और दूसरी फॉर्म इसकी ये है, तो डी है इसका आंसर। बिल्कुल सही बात है, कन्नौज, है ना, कन्नौज उस टाइम बिल्कुल पाटलिपुत्र की तरह हो गई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच फॉरेन राइटर एन अकाउंट ऑन द डोमिनेशंस ऑफ पाल रूलर्स इन द ईस्टर्न इंडिया? तो ईस्टर्न इंडिया में कौन सा जो है डोमिनेंट पाल रूलर आया था, तो फटाफट मुझे उसका आप नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, ए बता रही है प्रतिभा। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, अरब मर्चेंट सुलेमान, है ना, तो सुलेमान आया था अरब मर्चेंट, बगदाद वाला जो एरिया है उस एरिया से, है ना, तो वहां पे जो है यहाँ से हमें पता भी चलता है कि जो ईस्टर्न इंडिया है ईस्ट मतलब इंडिया की जो ईस्टर्न इंडिया जो है उसकी काफी अच्छी रिलेशनशिप भी रही है फॉरेनर के साथ, वो भी कौन से, अरब, है ना, तो यहाँ इसी वजह से जो है जैसे कि हमने देखा था ना कि पहले जो है सेंट्रल एशिया से काफी अच्छी रिलेशनशिप रही थी, तो सेंट्रल एशिया से रिलेशनशिप अच्छे करते करते सेंट्रल एशिया वाले इंडिया में आ गए थे। इसी तरह से अरब के साथ होगा, जो अरब के साथ रिलेशनशिप अच्छे करते करते अरब के साइड के जो लोग हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। Which Buddhist scholars were invited to Tibet who introduced a new form of Buddhism over there? तिब्बत के कौन से बुद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने वहां बौद्ध धर्म का एक नया रूप पेश किया? तो आपको बताना इसमें से कौन से वो दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में हमने जाना भी था और इन्होंने काफी बुक्स भी लिखी थी, और मैंने आपसे कहा था इनकी बुक्स आपको रिवाइज करने की नीड नहीं है, इनके नेम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देख लो प्रीवियस ईयर का ही आपका क्वेश्चन है, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे ये। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर दिक्कत हो रही है टिक करने में, तो देखो देखो जहां पर भी नागार्जुन दिखे ना वो फॉरन काट दो, क्योंकि नागार्जुन का इससे कोई मतलब नहीं है, नागार्जुन जो थे इस डायनेस्टी में बिलोंग नहीं करते थे जिस डायनेस्टी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो वो एक ही बनेगा, सी नहीं है, तो गलत हो गया आपका। ठीक है, तो नागार्जुन जो है पहले काट दो, ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, संत संतरक्षिता और जो है दीपांकर, दीपांकर और संतरक्षिता जो है आपके करेक्ट आंसर होंगे। अभिषेक ने बताया है ए, तो है ना ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नागार्जुन वाला नहीं होगा, नागार्जुन का कोई मतलब नहीं था, वासुदेव तो थे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कोई ऑप्शन ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ड्रामिस्ट राजशेखर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच प्रतिहार रूलर? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपसे कहा भी था, है ना, कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको प्रतिहारास पढ़ाए थे, तो कौन सा संस्कृत का स्कॉलर्स है जो राजशंकर, है ना, वो किसके जो है कोर्ट में रहता था, राजशेखर, सॉरी राजशेखर किसके कोर्ट में रहता था, ये आपको बताना है। तो फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, जब तक मैं क्वेश्चन अपना जो वीडियो है हम इसे शेयर कर देते हैं।
तो देखते हैं किसका आंसर सही है। माहीपाल बता रही है प्रतिभा, और बिल्कुल सही बताया है प्रतिभा ने, माहीपाल इज द करेक्ट आंसर। तो माहीपाल के जो है दरबार में जो है रहते थे, महेंद्रपाल भी बोला जाता है, माहीपाल, ठीक है। तो ध्यान रखना माहीपाल इज द करेक्ट आंसर। हाँ, महेंद्रपाल, बिल्कुल सही बताया है आपने, महेंद्रपाल जो है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। महेंद्रपाल अभिषेक है ना, तो माहीपाल या फिर महेंद्रपाल बेस अगर आपको कुछ भी दिखता है तो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो महेंद्रपाल भी है, माहीपाल भी है, ठीक है। तो राजशंकर जो है किसके कोर्ट में था, महेंद्रपाल फर्स्ट। माही भोज एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ, तो क्या टाइटल ने एज्यूम्ड करा था माहिर भोज ने, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कौन से रूलर थे, प्रतिहार्स रूलर थे, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। सी, बिल्कुल सही बताया प्रतिभा का आंसर, एकदम सही है, आदिवराह प्रभास है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये इन्होंने अपना आपको टाइटल एज्यूम्ड करा था, ठीक है, आदिवराह प्रवासी, प्रभासी जो है इनका टाइटल था, सी इज द करेक्ट आंसर। अल मोसिदी विजिटेड गुजरात एंड रोट अ डी अबाउट दी स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ गुजरात गुज्जर प्रतिहार्स किंगडम। ही वॉज अ नेटिव ऑफ विच सिटी, तो कौन सी सिटी से ये बिलोंग करते थे। तो प्रतिहार्स के टाइम में इन्हें देखा गया था, तो यहाँ पर अपने आप में कई क्वेश्चंस आप बनते हैं, ठीक है। तो अलमोशिदी जो आया था वो किसके टाइम में आया था, प्रतिहार्स के टाइम में आया था ये, इसने विजिट करा था गुजरात, तो जाहिर सी बात है गुजरात में कौन थे, प्रतिहार्स थे, और ये कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, तो फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए। अभिषेक का क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही था एकदम, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, अल मौशदी कौन सी सिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। तो थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे थ्री क्वेश्चन फॉर्म हो गए हैं। एक तो अल मौशदी कहाँ से बिलोंग कर, कहाँ किसके कोर्ट में आया था, वो आया था प्रतिहारास के कोर्ट में। उसने क्या किस में डील करती, स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज जो थी गुज्जर्स की, उसके बारे में सब लिखा था, और साथ ही साथ कौन सी सिटी से बिलोंग करता था, बगदाद था। अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही है, बगदाद से वो बिलोंग करता था, ठीक है। तो बगदाद की स्पेलिंग यहाँ आप देखिए ना, BAGH होती है, ठीक है, तो बगदाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी वर वेरी फेमस फॉर द फाइनेस्ट कैवलरी इन द कंट्री। तो भाई कौन थे घोड़ा, वो घोड़ा सवार किंग था ये, जिसकी एकदम बढ़िया मतलब घोड़े सवारी थी, एकदम बढ़िया घोड़ा चलाता था ये, तो आपको बताना है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। द किंग्स ऑफ, ये कौन सी मतलब डायनेस्टी की बात हो रही है, कौन सी डायनेस्टी में सबसे बेस्ट जो है कैलेवरी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कभी भी आपसे जो है दोबारा पूछ ली जा सकते हैं, आपको पता ही SSC हो जाए कोई भी एग्जाम हो, से प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कब तक मेरे पास आंसर नहीं आया है, तो चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। प्रतिहारास, प्रतिहारास इज द करेक्ट आंसर। ये जो गुजरात वाला जो एरिया है गुजरात, वहां पे जो प्रतिहारास थे वो एकदम बढ़िया घोड़े सवार होते थे, उनकी जो पूरा जो किंगडम है वो इसी चीज के लिए फेमस था। अभिषेक का आंसर एकदम सही है, प्रतिहारास इज द करेक्ट आंसर। विच राजकुटास रूलर डिफीटेड कन्नौज रूलर नागभट एंड एनेक्स्ट मालवा, तो किसने डिफीट करा था कन्नौज रूलर नागभट को और एनेक्स्ट करा था क्या मालवा, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ भाई फटाफट, गोविंद द फर्स्ट, गोविंद द थर्ड, या फिर इंद्र थर्ड, या फिर माहीपाल। बिल्कुल सही बताया प्रतिभा ने, गोविंदा थर्ड
थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक का भी आंसर एकदम सही है, गोविंदा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने डिफीट करा था किसे, नाग भट्ट को इन्होंने डिफीट करा था, जो कि कहाँ के रूलर थे, मालवा के ये रूलर थे, और इन्होंने जो है इसी से तो कन्नौज जो है छीनी थी, और तभी से जो है ये राजकुटाज रूलर जो है इनके अंडर में क्या आ गई थी, कन्नौज इनके अंडर में आ गया था। ठीक है, हु इज एक्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट कर्नाड बुक ऑन पोएटिक्स। तो ये मैंने क्वेश्चन जब आपको थ्योरी कराई थी तो मैंने ये लाइन मार्क भी करी थी, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर हैं ये फर्स्ट बन जाते हैं कौन, जिन्होंने कर्नाड मतलब कर्नाटक की जो लैंग्वेज है उसमें इन्होंने पोएट्री लिखी थी पूरी। तो आपको बताना है इनका नेम कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर बताइए। डी बता रही है प्रतिभा, बिल्कुल सही बताइए, अमोघ वर्ष इज द करेक्ट आंसर। अमोघ वर्ष जो है इनके बारे में काफी, इनके टाइम में जो है कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत ज्यादा क्या मिला था, एप्रिसिएशन मिला था, एकदम वो जेनिथ पर पहुंच गई थी, इन्हीं के टाइम पर पहली बार बुक भी लिखी गई थी। ये खुद भी अपने आप में क्या क्या थे, ये पोएट थे खुद अपने आप में, ठीक है, काफी अच्छी पोइट्री करते थे ये, और इन्हीं के टाइम में जो है कन्नड़ बुक जो है लिखी गई थी, कन्नड़ लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अभिषेक का भी आंसर एकदम ठीक है, और प्रतिभा का भी आंसर एकदम ठीक है, अमोक वर्ष इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। What was the title of देवपाल? तो देवपाल को क्या टाइटल मिला था, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। देवपाल को क्या टाइटल मिला था, देवपाल की उपाधि क्या थी। देखो पुरोहिता से तो मतलब नहीं है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, संध्यांकर नाटी, ये क्या है, ये तो खुद एक जो है ड्रामा है यहाँ पर, ठीक है, ड्रामा कह रही हूँ, ये जो है ऑथर का नेम है, ये भी नहीं है, वस्वराज ये भी नहीं है, इनको तो देवपाल ने हराया था जहां तक मुझे ध्यान है। तो बचता क्या है, सी प्रमोसो घाट। ठीक है, प्रमोसो घाट जो है इसका करेक्ट आंसर, प्रमोसो घाटी। ठीक है, टी नहीं होगा, टाई होगा, घाट होगा खाली। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा, सी। ठीक है, ओके। तो ये था आज की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बिलोंग करते थे आपके राजकुटास, पाल और साथी साजा प्रतिहारास डायनेस्टी से। कल हम करने जाएंगे मेडिवल पीरियड के बारे में, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। कल हम चोलास जो यहाँ पर राजा राजा चोला, आपने नेम काफी बार सुना होगा, उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे, और जो सेन सेन है सेना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बहुत बहुत से रूलर बचे हैं, अभी जो मेडिवल पीरियड है उसको स्टार्ट होने में, तुतमिश का टाइम स्टार्ट होने से पहले और भी कई रूलर हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जिनको हमें कवर करना है। तो अभी हमें जो है मोहम्मद गौरी के जो अटैक हुए थे उनके बारे में भी जानना है, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और 6 PM पर ज्वाइन करना मत भूलना, आज मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट जो है चीज कराने वाली हूँ नंबर सिस्टम में, जिसमें हम जो है सम ऑफ फैक्टर एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, और वो आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैंने हेयर कट करवाया क्या? हाँ यार, मैंने बहुत टाइम से अपना हेयर कट नहीं करवाया था। हाँ, मैंने हेयर कट करवाया है अपना। ठीक है, तो वो हेयर कट होने के बाद थोड़े बाल ऐसे ही लगते हैं अजीब से, वो थोड़े टाइम बाद ठीक होते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।